तो जैसे कि आप जानते हैं, प्रोटोकॉल्स की अक्सर हम बात करते रहते हैं अपने चैनल पर। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई है, चाहे वो पॉप या IMAP हो, TLS या SSL हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ TCP और UDP के बारे में। अगर आप नेटवर्किंग फील्ड से संबंध रखते हैं तो आपने ज़रूर इन प्रोटोकॉल्स के बारे में सुना होगा। तो आज बहुत बड़ी कन्फ्यूजन आपकी मैं दूर करने वाला हूँ TCP और UDP के बारे में। और आप अगर इसको समझ नहीं पाते हैं तो आज इस वीडियो के बाद में आप 100% पूरी तरीके से समझ पाएंगे TCP और UDP के डिफरेंस को, और कहाँ पे इन प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया जाता है, और ज़िंदगी भर के लिए आपको ये हमेशा याद रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है TCP और UDP। बेसिकली TCP और UDP की अगर बात करें तो पहले हम आ जाते हैं इनकी फुल फॉर्म पर। तो TCP जिसकी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP की होती है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब मेन बात आती है पहले ये कि ये प्रोटोकॉल्स यूज़ कहाँ पर होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नेटवर्क पर जब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करता है तो जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, जिसके थ्रू डेटा जाता है, वो इन दो प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा ट्रांसफ़र हो जा पाता है। इन दोनों प्रोटोकॉल्स का ही यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों बात तो ये तय हो गई कि DCP और UDP यूज़ कहाँ होती हैं। अब मेन बात आती है इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो TCP की अगर बात करूं तो TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। टेंशन मत लीजिए, अगर आपको ये कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। देखिए, TCP के अंदर जब हम कनेक्शन बनाते हैं एक कंप्यूटर से जब दूसरे कंप्यूटर के साथ में, TCP के अंदर जब कनेक्शन बनाया जाता है तो इससे पहले 3-way हैंडशेक होता है। यानी कि जो पहला कंप्यूटर है आपका, वो दूसरे कंप्यूटर को एक सिंक पैकेट भेजता है। पैकेट का मतलब, जैसे कि आप जानते हैं कि जो डेटा जाता है वो हमेशा पैकेट की फॉर्म में जाता है, तो वो एक सिंक पैकेट भेजता है कि दूसरे कंप्यूटर को बताता है कि मैं आपके साथ में कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। तो दूसरा जो कंप्यूटर है वो आपको रिप्लाई देगा सिंक पैकेट प्लस एक्नॉलेजमेंट। सिंक पैकेट आपके पैकेट का जवाब होगा और दूसरे का एक्नॉलेजमेंट पैकेट का मतलब होगा कि हाँ, वो भी आपके साथ में कनेक्शन बनाना चाहता है। तो यहाँ पर जो पहला कंप्यूटर है वो फिर से एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा। यानी कि टोटल कुल मिला के 3 पैकेट जाते हैं, तो एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगा, उसके बाद में हमारा जो है कनेक्शन बन जाएगा, और उसके बाद में हम कंटिन्यू डेटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे या एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। जबकि UDP में ऐसा नहीं होता है, UDP में डायरेक्टली जो कनेक्शन है वो बन जाता है और डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ तो अब आप एक पहला डिफरेंस तो समझ गए कि कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस का। अब दूसरी बात आती है, TCP के अंदर जो है एक्नॉलेजमेंट होता है, जबकि UDP के अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। अब एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है आपको मैं बता दूँ। एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि जब आपने डेटा ट्रांसफ़र किया तो उसका आपको एक और पैकेट आएगा दूसरे कंप्यूटर की साइड से, जो कि आपको बताएगा कि हाँ, डेटा हमें मिल चुका है। यानी कि जैसे कि आपने, अगर आपको एक एग्जांपल देके मैं आपको बताऊं, आपने कुरियर वाले को देखा होगा कि जब कुरियर या ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो जो कुरियर वाला आता है तो वो कुरियर देने के बाद में हमसे सिग्नेचर कराता है, एक एक्नॉलेजमेंट लेता है कि हाँ, आपको पैकेट मिल गया, और वो जो सिग्नेचर है वो कंपनी को दिखाता है। तब कंपनी को पता चलता है कि हाँ, हमने जो पैकेट भेजा था या जो कुरियर भेजा था उसका सिग्नेचर ये, एक्नॉलेजमेंट ये है कि हाँ, वो पैकेट इनको मिल चुका है। इसी का उल्टा सेम UDP में होता है। UDP में होता क्या है कि हमें डेटा का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है कि डेटा दूसरी साइड पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर इसमें भी एग्जांपल आपको चाहिए तो मैं बता दूं, आपने अखबार वाले को जरूर देखा होगा, मॉर्निंग में जो न्यूज़पेपर वाला होता है, न्यूज़पेपर वाले का काम जो होता है कि अखबार को रोल करेगा और आपके घर के सामने फेंक देगा। आपको वो पैकेट मिला या नहीं मिला इससे उसको कोई भी मतलब नहीं है। तो इसमें ये क्या हो गया, एक तरीके से थ्रो वाला काम हो जाता है UDP के अंदर, कि जो भी डेटा गया तो उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। दूसरी तरफ हमें पता नहीं कि उसको डेटा मिला है या नहीं मिला, बस एक तरीके से हमने काम अपना कर दिया और बात ख़त्म। तो ये था एक्नॉलेजमेंट की, TCP के अंदर एक्नॉलेजमेंट होता है, UDP के अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। अब तीसरी बात आती है TCP के अंदर, जो TCP है उसके अंदर एरर करेक्शन भी होता है। एरर करेक्शन का मतलब क्या, कि जो डेटा हम भेजते हैं तो उसके अंदर अगर डेटा कुछ करप्ट हो जाता है, जैसे कि आपको पता है कि जब नेटवर्क पे या किसी भी चीज़ के बीच में जो डेटा जाता है तो वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, तो वो जो डेटा जाता है तो उसके बीच में अगर कोई पैकेट मिस हो जाता है या फिर कुछ पैकेट्स जो है करप्ट हो जाते हैं, तो वो जो डेटा है वो दोबारा से भेजा जाता है TCP के अंदर। जबकि UDP के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर डेटा करप्ट है, कैसा भी है आपका, तो एक बार जो चला गया
तो वो चला गया। तो ये एक पॉइंट हो गया कि टीसीपी के अंदर है जो वो एरर करेक्शन होता है, जबकि यूडीबी के अंदर ऐसा नहीं होता है। अब चौथा पॉइंट आता है कि टीसीपी के अंदर सिक्वेंसिंग होती है जबकि यूडीबी के अंदर सिक्वेंसिंग नहीं होती है। अब आप कहेंगे कि सिक्वेंसिंग क्या होती है, तो सिक्वेंसिंग में आपको बता दूं, जब बहुत बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ा जाता है तो उस पर सिक्वेंस नंबर डाला जाता है कि पहले ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाते, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक हेलो पैकेट है। हेलो पैकेट में जैसे कि 4-5 वर्ड हैं HELLO, तो इन पे सब पे जैसे कि H है तो उस पे लिख दिया जाएगा 1, E है तो उस पे 2, L है तो 3, ऐसे करके एक सीक्वेंस बना दिया जाएगा कि पहले H जाएगा, फिर E जाएगा, फिर L, फिर L, फिर O। तो इससे क्या है कि डेटा जिस तरीके जैसा यहाँ है वैसा ही दूसरी जगह भी पहुंचेगा, जबकि यूडीपी में ऐसा नहीं होता है, कोई सिक्वेंसिंग नहीं होती है, इधर का उधर, उधर का इधर, डेटा मिक्स भी हो जाता है। तो ये सब क्या है, यूडीपी के अंदर होता है, जबकि टीसीपी के अंदर ऐसा नहीं होता है। अब बात आती है इनकी स्पीड की, तो टीसीपी फास्ट है जबकि यूडीपी वेरी फास्ट है, यानी जो टीसीपी है वो स्लो नहीं है, फास्ट है, लेकिन यूडीपी उससे कहीं ज़्यादा फास्ट है। अब बात आती है कि ये दोनों प्रोटोकॉल्स यूज़ कहाँ पे होती हैं, तो टीसीपी जो यूज़ की जाती है जब भी हम कुछ वेबसाइट सर्व कर रहे हैं तो इसमें, या और कुछ कर रहे हैं किसी कंप्यूटर के साथ में, तो जो ये सब क्या टीसीपी पे यूज़ किया जाता है। और यूडीपी यूज़ की जाती है तब जब हम जैसे कि इंटरनेट पर हम कॉलिंग करते हैं, इंटरनेट पर, मैं वॉइस कॉलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके फ़ोन से इंटरनेट पर जैसे कि स्काइप के थ्रू हम जो कॉलिंग करते हैं, ये सब क्या है यूडीपी के थ्रू की जाती है, क्योंकि यूडीपी वेरी फास्ट होती है, आवाज़ हमें जल्दी आनी चाहिए, क्योंकि हम बात करेंगे किसी से, हम कोई वेट नहीं कर सकते ना बात करते समय। तो ये क्या है कि यूडीपी वेरी फास्ट होती है, तो इसलिए यूडीपी का यूज किया जाता है और इसमें टीसीपी का यूज नहीं किया जाता है। और दूसरी बात, यूडीपी के अंदर एक्नॉलेजमेंट भी नहीं होता है। एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं होता, जैसे कि अगर वॉइस पे हम बात कर रहे हैं तो अगर हमें बात समझ में नहीं आती तो हम आगे से बोल देते हैं कि दोबारा से बोल दीजिए। अगर टीसीपी के थ्रू कॉलिंग की जाए तो उसमें ऐसा होगा कि जो भी हम बोलेंगे तो उसकी बैक आवाज हमें सुनाई देगी, कि उसमें क्योंकि एक्नॉलेजमेंट होता है, तो इसलिए यूडीपी के थ्रू ही कॉलिंग होती है। तो ये था टीसीपी और यूडीपी के बीच में डिफरेंस, और जो कि मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से शायद ऐसे कि समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर टीसीपी और यूडीपी इन दोनों को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम्स है या उनको समझ में नहीं आता और फिर भी आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मुझे खुशी होगी उनका आंसर देने में। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।